हेलो गाइस आप देख रहे हैं वाई जी लॉर मैं हूं वाई जी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 एंड 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 41 बात करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की और 43 बात करता है डॉक्ट्रीन ऑफ फीडिंग द ग्रांड बाय स्टॉपल की ये दोनों ही टॉपिक लोगों को हार्ड लगते हैं क्योंकि ऑस्टेंसिबल का मतलब नहीं पता फीडिंग द ग्रांट का मतलब नहीं पता एस्टॉपल का मतलब नहीं पता लेकिन बहुत ईजी है बहुत ज़्यादा ईजी है

तो ऑस्टेंसिबल ओनर वो होता है जिसके पास सारी इंडिकेशन होती है ओनरशिप की और वो दिखता भी ऐसा ही है कि जैसे वो ओनर है प्रॉपर्टी का लेकिन इन फैक्ट वो रियल ओनर नहीं है जो ये कॉन्सेप्ट है ऑस्टेंसिबल ओनर का इसको डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर करके भी बोला जाता है कि हाँ भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर के हिसाब से अपना सेक्शन 41 वन दिया ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर तो सेक्शन 41 बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि अगर ये सारी ऑस्टेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और ये कंडीशन फुलफिल करते हुए कोई ऑस्टेंसिबल ओनर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा कौन कौन सी कंडीशन हैं सबसे पहला है द पर्सन ट्रांसफरिंग मस्ट बी द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन विद इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर ए है लेकिन बी एक्चुअली ऑस्टेंसिबल ओनर दिख रहा है तो रियल ओनर ए ऑस्टेंसिबल ओनर बी तो बी ऑस्टेंसिबल ओनर फ्रॉड करके नहीं है वो ए की परमिशन से है कंसेंट किस चीज़ की है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की नहीं इस चीज़ की कि बी ऑस्टेंसिबल ओनर है कि बी अपने आप को एज अ ओनर दिखाए ये चीज की कंसेंट है ए की तरफ से दूसरी द ट्रांसफर ही हैज परचेज द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन अब बी जिसको भी ये प्रॉपर्टी बेच रहा है मान लो सी को बेच रहा है तो सी ने उस प्रॉपर्टी के बदले कंसिडरेशन दी होनी चाहिए फोकट में नहीं मिलनी चाहिए मतलब बी ऑस्टेंसिबल ओनर होके प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता गिफ्ट के अलावा बाकी चीजें वो कर सकता है सेल कर सकता है एक्सचेंज कर सकता है लीज पे भी चढ़ा सकता है ठीक है वो सब चीजें वो कर सकता है लेकिन कंसिडरेशन के बदले में गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होती तो गिफ्ट नहीं कर सकता तीसरी चीज द ट्रांसफर एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू असर्टन द पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ओनर एंड हैज एक्टेड इन गुड फेथ सी ने अपनी तरफ से पूरी गुड फेथ में काम करना चाहिए सी का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ए को डिफ्रॉड करना है मतलब सी की पावर में जो भी चीजें हैं वो वो कर रहा है, हाँ है, है गुडफेथ में वो सारे गुडफेथ में काम होने चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई और बी ने एज ऑस्टेंसिबल ओनर ए की प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा अब ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद इस ट्रांसफर को वॉयडेबल डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि ऑस्टेंसिबल ओनर ने ट्रांसफर करी है और रियल ओनर ने नहीं करी है तो ये वाली सारी कंडीशन फुलफिल हो गई और बी ने ट्रांसफर कर दिया तो अब ए आके फालतू का रोना नहीं कर सकता कि नहीं मैं रियल ओनर था और मेरी परमिशन के बिना कर दिया नहीं

तब होल्ड आउट कर गया तो वो ट्रांसफर के बाद भी होल्ड आउट करके बैठा रहे वो ट्रांसफर के बाद आके अपना रोना नहीं करेगी नहीं नहीं मैं नहीं ये सब गलत हो रहा कुछ नहीं कोर्ट बोलेगा चुप शट थो थो। अब मेन सवाल दिमाग में उठता है कि ऐसा होता कब है मतलब ये सिचुएशन आती कब है ऑस्टेंसिबल ओनर वाली तो इंडिया में सबसे ज्यादा सिचुएशन आती थी बेनामी ट्रांजैक्शंस में बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस विदाउट अ नेम अब बहुत लोगों में मिसकनसेप्शन है विदाउट अ नेम मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी बिना नाम के है प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं हो सकती कभी प्रॉपर्टी का हमेशा कोई ना कोई ओनर होगा बस वो प्रॉपर्टी जो रियल ओनर है उसके नाम पे नहीं है तो जैसे मान लो ए रियल ओनर है इसको प्रॉपर्टी खरीदनी है इसने प्रॉपर्टी के पैसे खुद दिए हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी बी के नाम पे करा दी मोस्टली वो देखो गलत इंटेंशन के लिए होता है टैक्स नहीं देना होगा काले पैसे पे तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो किसी और के नाम पे करा दी सब्सिडी मिल रही हो कुछ भी रीजन हो सकता है लेकिन मोस्टली मोस्टली उल्टे काम के लिए होता था तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट निकाल दिया नाइनटीन में और इस एक्ट के हिसाब से जो अपना बेनामदार है ना जिसके नाम पे प्रॉपर्टी करा दी है रियल ओनर नहीं जो दूसरा वाला अपना ऑस्टेंसिबल ओनर उसी को रियल ओनर माना जाएगा 1988 के बाद से तो 1988 से पहले का कोई केस चल रहा है तो ये एक्ट नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद का अगर कोई चल रहा है तो फिर ऑब्वियसली जो अपना ऑस्टेंसिबल ओनर है वही रियल ओनर है बेनामी ट्रांजेक्शन के केस में कुछ इसके एक्सेप्शन वगैरह भी हैं लेकिन उसके इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो एक्सेप्शन वगैरह है वो डिटेल में पूरा का पूरा एक्ट ही इसी चीज़ पर तो वो पढ़ोगे तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे जैसे एक एग्जांपल है कि हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के नाम पे करा दी या फिर डॉटर के नाम पे करा दी ठीक है तो उधर इसके पास थोड़े राइट्स रहते हैं लेकिन मोस्टली जो अपना बेनामदार है जो एक्स्टेंसीबल ओनर है उसी को रियल ओनर मान लिया गया है बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के बाद से तो ये हो गया अपना सेक्शन फोर्टी इसमें एक बात आप सोचो जो मैंने होल्डिंग आउट वाली बात बताई है ये किसके सिमिलर लग रहा है आपको कौन से रूल पे बेस्ड लग रहा है आपको ये एस्टॉपल पता है एस्टॉपल क्या होता है एस्टॉपल ये होता है कि अगर मान लो एक बंदा है वो कुछ कंडक्ट कर रहा है और उस कंडक्ट की वजह से सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया तो बाद में वो अपने कंडक्ट पर पलट नहीं सकता तो यहाँ पे ए का कंडक्ट है कि बी को ओनर की जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने दे रहा है अब एज अ ओनर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एज अ ओनर बेच भी सकता है ये इसको अज्यूम करना चाहिए ना तो इसने बेच दी तो बाद में ये अपने कंडक्ट से पलट नहीं सकता कि नहीं ये तो असली ओनर नहीं है ऐसा नहीं चलेगा क्यों क्योंकि इसने अपने कंडक्ट से इसको ओनर होने दिया तो रूल ऑफ एस्टॉपल पे ही अपनी डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट बेस्ड है जिसपे अपना सेक्शन 41 बेस्ड है और इसी रूल ऑफ एस्टॉपल पे अपना सेक्शन 43 भी बेस्ड है सेक्शन 43 बोलता है ट्रांसफर बाय अनऑथोराइज पर्सन हु हुटली अक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड डॉक्ट्रीन ऑफ फीडिंग द ग्रांड बाय एस्टॉपल इस सेक्शन में आती है अब क्या मतलब है ये सब चीजों का सेक्शन फोर्टी थ्री बेसिकली ये बता रहा है कि मान लो एक बंदा है ए ए के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी बी को तब भी बेच देता है बी को कुछ नहीं पता बी को नहीं पता कि ए के पास प्रॉपर्टी नहीं है बी को नहीं पता कि ए ओनर नहीं है बी गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है बी अभी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और ए और बी के बीच में मान लो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दो महीने बाद ये प्रॉपर्टी तेरे को ट्रांसफर मैं कर दूंगा पर इस कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले ए मान लो पूरा का पूरा पैसा प्रॉपर्टी का बी से पहले ही ले लेता है मान लो लाख रुपए ले लिए पहले ही उसके पंद्रह दिन बाद ए के पास एक्चुअली वो प्रॉपर्टी आ जाती है मान लो कोई घर बेचा वो घर एक्चुअली ए का हो जाता है ए एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाता है तो अब हम ए को बोलेंगे कि भैया जो तेरा ग्रांट है ना उसको फीड करेंगे हम एस्टॉपल के जरिए क्या मतलब हुआ इसका कि ए ने बी को क्या दिया था इस प्रॉपर्टी का ग्रांट दिया था ये ग्रांट देने के लिए ऑथोराइज पर्सन नहीं था ये ऑथोराइज नहीं था कि ये ग्रांट बी को दे दे लेकिन ए का कंडक्ट क्या था कि हाँ भाई मैं ही पर्सन हूँ इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं तेरे को बेच सकता हूँ तो ए ने बी के साथ क्या कंडक्ट दिखाया कि भैया मैं हूं ओनर मैं बेच सकता हूँ तेरे को प्रॉपर्टी तो अब एस्टोपल के रूल के हिसाब से ये पलट नहीं सकता अपने कंडक्ट पे अगर इसके पास प्रॉपर्टी आती नहीं तो तो फिर कैसे ट्रांसफर करवाते तो तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी तो तो फिर बी ए पे फ्रॉड का केस करता कुछ और केस करता लेकिन अब इसके के पास सही में प्रॉपर्टी आ गई है तो अब इसने जो ग्रांट दिया ना बी को उसको अपन एस्टॉपल से फीड करेंगे अपन एस्टॉपल का रूल लगाएंगे और बोलेंगे कि जो बी को तूने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस पे गो थ्रू कर प्रॉपर्टी अब उसको दे क्योंकि तू पहले प्रॉमिस कर चुका है ए बोलेगा लेकिन जब मैंने प्रॉमिस किया था जब तो मेरा प्रॉपर्टी थी नहीं तो कोर्ट बोलेगा कि लेकिन अब तो है तूने प्रॉमिस करा था तब नहीं थी लेकिन अब तो है ना तो अभी दे इसको प्रॉपर्टी क्योंकि तुम्हारा दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सब्सिस्टिंग है तो सेक्शन 43 बस ये इतनी सी बात समझाता है इफ़ अ पर्सन फ्रॉडेंटली और एरनेस्टली रिप्रेजेंट्स दैट ही इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर सर्टेन इमूल प्रॉपर्टी ए को या तो नहीं पता था कि वो ओनर नहीं है उसने गलती से इसको दे दिया या फिर इसने फ्रॉड करा बी के साथ इसको पता था ओनर नहीं है तब भी बी को बेच दी एंड प्रोफेसिस टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी एंड लेटर अक्वायर इंटरेस्ट टू ट्रांसफर ये अपना डायग्राम मिटाना पड़ेगा ताकि सेकेंड पॉइंट आ सके ट्रांसफर विल है राइट फुल इंटरेस्ट ओवर द प्रोपर्टी इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर स्टिल सब्सिस्ट एट द टाइम तो अब बी का राइट रहेगा की वो ऐसे प्रॉपर्टी क्लेम कर सके जब तक उसका वो कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्टिंग है जो की इस केस में जो मैंने बताया था तो ये हो गई डॉक्ट्रीन ऑफ फीडिंग द ग्रांड बाई एस्टोपल इसमें भी वही वाली कंडीशन है

असेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए तो अपना सेक्शन फोर्टी थ्री लग जाएगा और अपन ए को बोलेंगे कि अब भाई तू तो अपना ग्रांट एस्टॉपल की वजह से फीड कर तो मतलब समझ गए ना ये जो नाम है डॉक्ट्रिन का इसके पीछे क्या मतलब हुआ फीडिंग द ग्रांट मतलब प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्यों देनी पड़ेगी बाय एस्टॉपल क्योंकि पहले तूने बोला था दे देगा तो अब तेरे को देनी पड़ेगी अब इधर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट तो क्या आता है कॉन्फ्लिक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक केस लॉ आ गया था लेकिन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स है अपन ने देखा था सेक्शन सिक्स ए में स्पेक्स याद है थोड़ा बहुत स्पेक्स एक्सेओनिस् क्या था कि ए है उसको होप है कि उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी मान लो उसके फादर से मिल जाएगी उसके फादर मर जाएंगे जब उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक उसको मिलेगी नहीं ये स्पेक्सियों ने इसका रूल बताता है कि चांस ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट ट्रांसफर जब प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी देन ओनली यू कैन ट्रांसफर लेकिन फोर्टी में बोल रहा है कि अगर इसने चांस में भी अगर मान लो ट्रांसफर कर दी ए ने बी को घर ट्रांसफर कर दिया लेकिन जब उसने ट्रांसफर करा तब एक्चुअली उसके फादर का था बाद में उसके पास आ गया तो वही वाला केस हो गया ना मैंने समझाया था पहले में तो अब इधर सिक्स ए के हिसाब से तो ट्रांसफर वॉइड था तो बाद में फोर्टी थ्री से वापस एक्टिवेट कैसे हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा वो तो यहाँ ही दिया कि भैया अगर ऐसा फ्रॉड व्रॉड कराया और ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो फोर्टी थ्री के हिसाब से बी का राइट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट तब भी सब्सिस्टिंग है तो तो कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसा कुछ था नहीं लेकिन क्योंकि अपन लॉ स्टूडेंट्स हैं और जबरदस्ती के केसेस अपने को रटवाने का बड़ा शौक है एग्जामिनर्स को तो इसका एक केस देख लो

सेटर्स को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तीन ग्रैंडसन थे ये। इन मिलके दे दी, पैसे ले एक और पार्टी आ गई अपनी जुम्मा मस्जिद मरकारा तो जुम्मा मस्जिद मरकारा ने बोला कि भैया जब ये एक्चुअल ओनर मरा था तो इसकी जो वाइफ थी मतलब मरने के बाद विडो हो गई तो जो विडो थी उसने ये प्रॉपर्टी जुम्मा मस्जिद मरकारा को गिफ्ट कर दी थी और ये जो तीन ग्रैंड सन है इनमें से भी एक ग्रैंड सन ठीक है ये तीन में से एक ग्रैंड सन ने जुम्मा मस्जिद मरकारा से तीन सौ रुपये लिए थे और बोला था कि मैं अपना इस प्रॉपर्टी पे राइट वेव ऑफ कर देता हूँ तो अभी तक के फैक्ट्स क्या हैं तीन ग्रैंडसन थे उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसने कोड़ी मंदा देवी के एंसेस्टर्स को प्रॉपर्टी बेच दी फिर एक्चुअली प्रॉपर्टी उनके पास आ गई लेकिन फिर जुम्मा मस्जिद मरकारा आया और उनने बोला कि नहीं भाई वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसकी जो विडो है उसने हमको गिफ्ट कर दी थी उसके मरने के बाद और तीन सौ रुपये भी ले चुका है एक ग्रैंड सन अपना उस प्रॉपर्टी पे राइट वेव ऑफ़ करने के लिए तो जुम्मा मस्जिद मरकारा का कंटेंशन ये था कि भाई सिक्स ए के हिसाब से जो इन्होंने ट्रांसफर किया था कोड़ी मनिंद्रा देवी के एंसेस्टर्स को ये तो वर्ड था तो प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारी होनी चाहिए तो कोर्ट ने बोला कि देखो सिक्स ए के अंडर में वर्ड होता है सिक्स ए के अंडर में वर्ड होता है बात हम मानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमने भी पढ़ा है लेकिन सिक्स ए के अंडर में वर्ड तभी होता है अगर फोर्टी थ्री अप्लाई नहीं होता तो फोर्टी थ्री इज़ एन एक्सेप्शन टू सिक्स ए मतलब फोर्टी थ्री की जो कंडीशन अपन ने देखी थी ना ये सारी अगर ये सब फुलफिल हो रही है ट्रांसफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट तब भी सबसिस्टिंग है फ्रॉडेंटली ट्रांसफर किया है कंसिडरेशन के लिए किया है सामने वाली पार्टी गुड फेथ में एक्ट कर रही थी ये सारी कंडीशन इस केस में कोडी महिंदा देवी के के केस में लग रही है तो इसलिए जुम्मा मस्जिद मरकारा का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और कोड़ी महिंद्रा देविया को ही प्रॉपर्टी दे दी गई क्यों क्योंकि सिक्स ए और फोर्टी थ्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिक्स ए का एक्सेप्शन है फोर्टी थ्री तो गैस यहाँ पे हो गया फोर्टी वन फोर्टी थ्री का वीडियो कंप्लीट लेकिन जाने का नहीं है जाना मत एक तो होती है चीज़ लाइक थोड़ा सा रुकना लाइक और कमेंट और रेगुलर बकवास के अलावा भी मैं एक चीज़ बताऊंगा लाइक like और कमेंट तो कर ही देना अगर यूजलेस सा भी लग रहा है तो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए सब कर देना तुम्हारे भाई का चैनल उससे ग्रो होता है और तुम्हारे भाई का एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जुडिशियर एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स भी है जिसमें तुम्हारा भाई डिटेल में टीपीए पढ़ाता है ए टू जेड अल्टीमेट कोर्स ए टू जेड मतलब सब कुछ कुछ भी स्किप नहीं होगा छोटा बच्चा नहीं बोलूंगा सब पढ़ाऊंगा ए टू जेड तक यूट्यूब पे सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कॉलेज वालों के लिए उसकी प्ले लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी तो वही देख सकते हो वरना मेरा कोर्स का यहाँ पे वीडियो आ जाएगा वो चेकआउट कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय टाटा टेक केयर